हेलो गाइस, तो आज हम कंपेयर करेंगे हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ। तो चेक करेंगे कि क्या हमें जो इंटरनल हार्ड ड्राइव से है गेम के FPS मिलते हैं, तो क्या हमें वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से भी बिल्कुल सेम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो ये रही हार्ड ड्राइव जिसके अंदर मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है शेडो ऑफ द टॉम राइडर, एंड मेरे लैपटॉप के अंदर भी जो हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल मैंने की हुई है शेडो ऑफ द टॉम राइडर। तो हम दोनों को ही बेंचमार्क करेंगे, देखेंगे जो जो एवरेज FPS आएंगे हम दोनों को कंपेयर कर देंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कि हार्ड ड्राइव से भी मतलब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से भी हमें सेम FPS मिलते हैं या नहीं मिलते। तो सबसे पहले मैं बेंचमार्क करने जा रहा हूँ अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव से, तो इसको अभी रखते हैं साइड में। तो सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाई सेटिंग में रखी हुई है ग्राफिक्स सेटिंग्स, ये 1080p एंड ये हाई सेटिंग्स। तो मैं करता हूँ रन बेंचमार्क। तो जो हमारी है लैपटॉप की इंटरनल हार्ड ड्राइव उसके जो एवरेज FPS स्कोर आ चुकी हैं गेम के शेडो ऑफ द टॉम राइडर के, वो है 52। अब मैं कनेक्ट करूँगा ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इसमें मैं बेंचमार्क करूँगा यही गेम का, तो कंपेयर करेंगे फिर एवरेज FPS को। तो मैंने गेम को ओपन कर लिया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, देख सकते हैं आप ये इसकी लाइट जगबुज जगबुज हो रही है। तो मैं करता हूँ रन बेंचमार्क। तो ये आ चुकी है हमारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरफ से भी FPS स्कोर, तो देख सकते हैं 53 आए हैं, तो जो इंटरनल हार्ड ड्राइव से आए थे वो 52 थे, तो बिल्कुल सिमिलर FPS आए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप अपनी गेम्स को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करके लैपटॉप में अटैच करके अगर आप उसे गेम प्ले कर लेते हैं तब भी आपको सिमिलर परफॉर्मेंस एंड FPS देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।